डायना, हमने अग्री किया था तुम और कितने देर सैड रहोगी। एक उतरा हुआ चेहरा हमारा मूड खराब कर देता है। तुम सैड क्यों हो, क्या हुआ है? गर्ल्स, मैंने अपना घर छोड़ा है, जाहिर है मैं उदास होंगी ना। हाँ, पर हमने अग्री किया था हम सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे। कोई दुख नहीं। हाँ, हम टीनेजर्स हैं और हमें आगे बढ़ना होगा। गर्ल्स, यकीन नहीं होगा एक्स की कॉल आ रही है। हेलो, या हेलो। हाँ, मुझे पता है तुम अपना बॉम्बर जैकेट मेरे घर पर भूल गए। मैं घर पहुंच ही रही हूँ, आकर अपना बॉम्बर जैकेट ले लो, बाय। गर्ल्स, लगता है हम पहुंच गए। हुर्रे, फाइनली। मेरे पैर ठंडे पड़ गए थे। वाओ, कितना बड़ा हाउस है। गर्ल्स, डायना के साथ हम चारों यहाँ रहेंगे। हाँ माया, हम चार। आई होप हम बोर्डम से मर ना जाएं। चलो अपने बैग निकालते और अंदर जाते हैं। और मेरे पैर कनोपा लकड़ी के हो गए हैं। तुम ओवर कर रही हो। I hope हम यहाँ हमेशा खुशी से रहेंगे। Nastya, what happily ever after? I hope हम जल्दी घर लौट कर जाएं। Oh girls, देखो लोकल लड़के, ये लोग कितने ट्रेंडी हैं। पर हम भी बुरे नहीं हैं। So it's cool, हम यहाँ बोर नहीं होने वाले हैं। चलो चलते हैं अपने ब्रांड चाल से। Let's go. Hi guys, hello girls, hello Bunny. Bunny, तुम हमेशा की तरह amazing हो। क्या? तुम? क्या meeting है? क्या तुमने भी नए सिरे से शुरू करने का सोचा है? क्या तुम हमारे पड़ोस में रहोगे? Well, exactly पड़ोस में नहीं। हमें बस ये villa कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। Guys, तुम यहाँ कैसे आए? हमने तुम्हें geolocation से ट्रैक किया डायना, बहुत सिंपल था। डायना, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं समझ गई हूँ, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम यहाँ पहले आई हो। हमारा विला कहाँ, ये तुमने कैसे ढूंढा? हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? गर्ल्स, तुम बहुत प्यारी हो। तुम चुप रहो, तुम देख रहे हो कि लड़कियाँ हमारे यहाँ होने से ज्यादा खुश नहीं। ओके गाइस, मेरे ख्याल से हमें सच बोल देना चाहिए क्योंकि हम तो सीधे मुंह के बल गिर पड़े हैं। गर्ल्स, Nastya ने हमें सब कुछ बताया था। Nastya? गर्ल्स, आई थिंक हमें एक मिनट चाहिए बात करने के लिए। पिज्जा? और इसमें पिज्जा नहीं है, भूल गए क्या तुम? मैं खिस्सा हूँ। मेरे लिए तुम हमेशा पिज्जा रहोगी। गाइस काम डाउन, हम अपने फिंगर्स क्रॉस करके रखते हैं ताकि हमें यहाँ रहने मिले। मैं सहमत हूँ। Nastya, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? हम चारों ने इस विला में एक नई लाइफ शुरू की है। Nastya, तुम्हारे टंग की प्रॉब्लम क्या है? वेल, एक्चुअली मैंने अपनी टंग से नहीं बोला, मैंने स्टेला को टेक्स्ट किया था। इससे बात बदलती नहीं। ओके, तो अब हम मुड़ेंगे और कहेंगे तुम हमारे साथ नहीं रहते। हाँ गाइस, हमने फैसला कर लिया, तुम हमारे साथ नहीं रहोगे तो तुम यहाँ रह लो। डायना, तो और क्या, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? बाय द वे, बॉक्स के साथ वो लड़की कौन है? वो डायना, हमें पता था तुम हमें अकेला नहीं छोड़ोगी। बाय द वे, ये मूडी है, इसकी पर्सनालिटी थोड़ी खराब है, ये दिन भर रोती रहती है क्योंकि तुम मुझे बात नहीं करना चाहती। आई गॉट इट। पिज्जा, व्हाट अबाउट यू? तुम बहुत बदल गई हो। अच्छा ही हुआ पिज्जा नहीं है। I'm kissing now. Predator. और ये बोला मेरा एक्स। ओके काम डाउन, हम झगड़ा नहीं करेंगे, हमने एग्री किया था। We got it. वो जो ग्रीन शर्ट में है, क्या वो भी मूडी है? ओह, ये शॉन है, वैसे इसकी एक आंख ब्राउन और एक आंख ग्रीन है, जादूगर। और वो लड़कियों के दिल चुराता है। Here we met. Now we are moving into our villa. पहले मैं और लड़कियां जाकर अपने कमरे चुनेंगे। हुर्रे! ये लोग कितने फास्ट हैं। हमने रूम्स पहले चुन लिए हैं। खुड़ियों, तुसी मेरे नाल दोस्ती करोगी? तुझे वेलकम है, कोई भी मेरी दोस्त नहीं है। डोंट वरी, हम सब के दोस्त हैं। गुड, थैंक यू जी, मिलते हैं फिर। लड़कियों, मुझे अपना बैग दो। ओह, एंड इट्स सो कूल। वेल गर्ल्स, आई थिंक यू नीड टू सेटल इन एंड रिलैक्स। और रूल्स, इन लोगों के लिए रूल्स होने चाहिए। मुझे फील हो रहा है डायना हमारे लिए पागल खाना वेट कर रहा है। ओह गर्ल्स, ये मेरी गलती नहीं है, ये सब गलती से हुआ है। हाँ, बाय एक्सीडेंट।
क्या आपने वो सुना? वो एक भूखा हाथी है जो आपसे खाना मांग रहा है, और वो एक शेर है जिसके पैर में चोट लगी है। मैं हर दिन जानवरों की रक्षा करती हूँ और मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। चलिए अब इन जानवरों को वापस उनके टिप टॉप आकार में ले आएं और उनमें से हर एक के लिए घर बनाएं। अभी हमारा गेम डाउनलोड करें। हमारे जानवर दोस्त वहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। गाइस, मुझे यकीन है कि मैं सबसे खूबसूरत लड़की को डेट करूंगा। अगर तुम्हारी नजर बनीज में से किसी एक पर है तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हारे जाल में नहीं फंसेंगी। वो सिर्फ काम की चीज है, इसलिए रिलैक्स। मुझे यकीन है कि मैं सबसे खूबसूरत लड़की को चुनूंगा। अच्छा अच्छा, मैं मान लेता हूँ। हेलो बॉयज, क्या तुम लोग बोर हो रहे हो? हम तुम्हें कंपनी दे सकते हैं ताया। एक्चुअली हम एक दूसरे को जानते हैं। लॉरेन, तुम जाओ यहाँ से, अभी यहाँ लड़कों की बातें चल रही हैं। हाँ लड़के, और तुम यहाँ बहुत ज्यादा हो। आई गॉट इट, हमेशा की तरह बॉयज ग्रेहाउंड है। सुनो आइस, अब मैं वो पहले वाली लॉरेन नहीं रही, मैं एक लॉरेन टॉम बॉय हूँ और मैं तुम्हें आँख में पंच मार सकती हूँ। शॉन, तुम क्या टॉम बॉय को डेट करना चाहते हो? नहीं, मुझे उससे डर नहीं लगता। दैट्स राइट, डैम बॉयज, तुम हमारे पीछे भागोगे और हम तुम्हें भगा देंगे। एग्जैक्टली, खुश है। बेकार दोस्तों, यहाँ मोटरसाइकिल के बिना नहीं चलेगा। खैर हेलमेट है लेकिन मोटरसाइकिल नहीं, अजीब है। अजीब नहीं, मैं अपने लिए एक नई मोटरसाइकिल खरीदूंगा, तुम देख लेना। हाँ, वो प्लेन से यहाँ मोटरसाइकिल नहीं ला सकता। तुम लोग देखना, मैं अपने लिए सबसे बढ़िया बाइक खरीदूंगा। बस ठीक है, चलो तुम अपने लिए सबसे बढ़िया बाइक ही खरीदना। हाँ जरूर देखना। ठीक है गाइस, मुझे बताएं कि यहाँ सबसे सुंदर लड़की कौन सी है। That's it, अब ये रूम लग रहा है ना बिल्कुल किटी का रूम। किटी, क्या मैं तुम्हारे साथ एक रूम में रह सकती हूँ प्लीज? Of course, हम अब फ्रेंड्स हैं। हाँ ब्लॉन्डी, ये बहुत ही अनयूजुअल है, तुम रोलर कोस्टर वाली लड़की और मैं किटी, सब कुछ कितना बदल गया। हाँ किटी, मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं बनीज को हरा नहीं सकती, इसलिए मैं अब एक फ्रॉक चीयरलीडर नहीं रहूंगी, मैं रोलर स्केट सीख रही हूँ और एक रोलर स्केट गर्ल बनूंगी। ब्लॉन्डी, मैं भी ये बेस्ट खेली है, चेंज हमेशा ही अच्छा होता है। बाय द वे, मेरे पास पैसे नहीं है। वेलकम गर्ल्स टू आवर रूम। वाव, ये तो अच्छा है। हाँ, मैंने हमारे आने से पहले रूम तैयार रखने के लिए कहा था। बेड बड़ा है तो हम यहाँ फिट हो सकते हैं। कहावत इन टाइट क्वार्टर्स बट नॉट ऑफेंडेड। हम ऑलरेडी एक रूम में एक साथ रह चुके हैं तो इट्स फाइन। गर्ल्स, मेरे पास तो सिर्फ दो ही बिकिनी है, मंडे एंड ट्यूसडे। क्या डायना बैठने से थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को बिना बिकनी के रहेगी? वेरी फनी। हम सभी के पास थोड़ी ही चीजें हैं। वेल आई थिंक बाद में हमारे पास टाइम होगा हमारे लिए कुछ खरीदने के लिए। ओके ओके, ये बातें छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हें वो नया लड़का शॉन कैसा लगा? ओह नास्ते, आई से यू ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन गाइस। गर्ल्स, हमने अग्री किया था कोई बॉयज नहीं। गर्ल्स, हमने डिसाइड किया था हम चारों यहाँ साथ में रहेंगे, पर ये नहीं हो पाया। गर्ल्स, यू नो मुझे क्या समझ में आया, किरिल इज द बेस्ट गाय, लेकिन गुजरा हुआ लौट नहीं सकता। इस फोटो को यहाँ रख देती हूँ। डायना, तुम उसे प्यार करती हो, आई अंडरस्टैंड, उसने कॉल किया था, तुम्हें बस उसके साथ सब ठीक करना है। कनोपा, उसे अपनी एडवाइस मत दो, उसे पता उसे क्या करना है। बस हो गया, हमें डिसाइड करना है कि गाइस के लिए हमें क्या रूल्स बनाने हैं। गर्ल्स, हम बॉयज को लेकर रूल्स जरूर बनाएंगे, लेकिन अभी मुझे एक मिनट की खामोशी चाहिए क्योंकि मैं अपने थॉट्स लिखना चाहती हूँ अपनी पर्सनल डायरी में। ओके, मैं अपने सामान ठीक करती हूँ। डायना, हमने अग्री किया था कोई पर्सनल डायरीज नहीं और मूव होने की कोई स्टोरीज नहीं। हाँ, ये मूव बहुत डिफिकल्ट था। गर्ल्स, सिर्फ एक दो एंट्रीज। द डायरी, मैं सब कुछ स्क्रैच से शुरू करती हूँ। जूस लोगी? ए, मेरे वास्ते, थैंक यू जी। लूजर्स कब से लड़कियों को डेट करने लगे? मैं लूजर नहीं हूँ, यहाँ लूजर जैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें लूजर यहाँ कहाँ दिख रहा है? इजी इजी थॉमस, मैं तुम्हें अच्छी से पहचानती हूँ, तुम्हारे कपड़ों से कुछ नहीं बदलने वाला, जैसा ये लूजर था वैसा ही रहा। लेसन, तुमने क्या बनी से दोस्ती की? तुम जैसी फ्रॉग्स थी वैसी ही हो, फ्रॉग। आहो जी, बनी मेरी दोस्त बनेगी, उन्होंने मुझसे कहा है, मैं बनी इसकी दोस्त बनने की सलाह नहीं दूंगी, वो बड़े ही दोगली हैं। थॉमस, मुझे जूस ला कर दो प्लीज। और तुम मुझसे जलती हो, दिखता है जी। थॉमस, कुछ और जूस ले आना। हाँ जरूर मूडी। मैंने तुम्हें वार्निंग दे दी मूडी, और जलो मत जी। ऑलराइट गर्ल्स, रूल्स रेडी है, तुम अनाउंस कर सकती हो। गर्ल्स, मैं कैसी दिख रही हूँ? ठीक। कनोपा, तुम स्टनिंग लग रही हो, और मैं अमेजिंग, और मैं यहाँ
यहाँ सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। नास्तिया, हम तुम्हारे लिए खुश हैं कि तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो। हम चलकर रूल्स अनाउंस करें क्या? इस कमरे के क्रैशर्स को नमस्ते। ये क्या है, कोई मजाक? व्हाट इज दिस वॉर्म? इनफैक्ट गर्ल्स के रूम में आना मना है, तो वो यहाँ से बाहर निकलो और जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। एक्चुअली ये कोई कीड़ा नहीं, ये गर्ल रोलर है, ये हमेशा काम करता है। ये हमारे साथ काम नहीं करता। That's funny. डायना, चलो एक रूल बनाते हैं कि कोई भी बॉयज बनी के रूम में नहीं आ सकते, बॉयज और गर्ल्स भी। इनफैक्ट देखो ये कीड़ा फनी है। ये कीड़ा नहीं है, ये गर्ल रोलर है, और ठीक ही मुझसे कहा गया था कि तुम बहुत अच्छे हो। बेचारे का दिल तोड़ दिया। उसे उसकी आदत होने दो, और उसे पता है वो रूम के अंदर नहीं आ सकता। ओके, चलो चल के रूल्स अनाउंस करते हैं। पता नहीं कौन से रूल्स सुनने को मिलने वाले हैं। हमें ये रूल्स मानने होंगे ताकि हमें बाद में सुनने को ना मिले, हम मेहमान हैं। मैंने फर्क नहीं पहनता, मैं तो बनीज की फ्रेंड हूँ। वाओ, तुम्हें इतनी जल्दी फ्रेंड्स मिल भी गए। उसकी तरफ ध्यान मत दो। मुझे अगर कोई रूल्स पसंद नहीं आया तो मैं उन्हें फॉलो नहीं करने वाली। फिर तुम यहाँ से दरवाजे के बाहर उड़ जाओगी। शॉन, yes? तुमने बनी के साथ फ्लर्ट करने की ट्राई की? सोचो, मेरी गर्ल रोलर ने मुझे निराश किया। मैं जानता था बनी आ गई। गाइज, आई एम ग्लैड कि तुम सब यहाँ हो। एंड सो, जो कोई इस घर में रहना चाहता है उसे ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ध्यान से सुनो, नहीं तो इस घर से चले जाओ। डायना, पढ़ो। पहला रूल, हमारा एक ड्यूटी स्केड्यूल होगा और हर कोई घर साफ करेगा। इस घर में कोई नौकर नहीं है। सेकंड रूल, हर किसी को साथ रहना होगा। हाँ, झगड़े मत करना, अगर हमें झगड़ों की आवाज आई तो गेट के बाहर होगे। हाँ, इसलिए कोई झगड़े नहीं। बहुत इजी रूल है ये, तो मुझे पता था बनी बहुत अच्छे नेचर वाले लोग। मॉर्निंग में रोल ब्लेडिंग खेले जा सकते क्या? ज्यादा खुश न हो, उन्होंने सारे रूल अभी पढ़े नहीं है। गो ऑन बनी, रोलर्स आर कूल। मुझे रोलर्स पसंद है। और अब थर्ड रूल, कॉस्मेटिक्स चुराना मत। ये तो मेरे लिए नहीं, मैं कुछ नहीं पेंट करती जी। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी पलकें मस्कारा से चिपक गई हैं। गर्ल्स, ये तुम्हारे बारे में है, तो ये रूल ध्यान रखना। चौथा रूल, बॉयज टॉयलेट लिड लिफ्ट करके रखेंगे। बॉयज, ये रूल फॉलो ना करने की कोशिश भी मत करना। चलो रूल सुन लेते हैं, उसके बाद हम राइट पे चलते हैं। मैं तुम्हें सिखाऊंगी, ये बहुत ईजी है। पांचवा रूल, इन्हें याद रखना और रूल्स को तोड़ना मत, कभी नहीं। डोंट एंटर बनी'स रूम। मैंने इस रूल को पहले ही समझ लिया, तुम लोगों को बोलना नहीं था। तुमने गड़बड़ कर दी है। नाउ लेट्स स्पीड अप। छठा रूल, रात को सोना है और घर में भटकना नहीं है। सातवां रूल, रेफ्रिजरेटर में कोई भी सॉसेज या हैमबर्गर्स नहीं, सबकी डाइट हेल्दी होगी। और अब आखिरी आठवां रूल, हम सब स्कूल जाएंगे, कोई भी यहाँ आइडल बैठा नहीं रहेगा। हम एक नए स्कूल के लिए कल देखेंगे। क्या, लेकिन मैं तो पहले ही हाई स्कूल पास कर चुका हूँ, अब तो हम बड़े हो गए हैं। गाइस, झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास पढ़ाई के लिए एक और साल बचा है। सुनो शॉन, तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो। मुझे समझ लिया तुमने। गाइस, आई एम ग्लैड कि आप सबने रूल सुने और आप उसे अग्री भी करते हैं। वेल, तुम लोग अब अपने अपने काम कर सकते हो, बस रूल्स मत भूलना। ओए मेरी फ्रेंड्स, मेरे लिए तो वेट करो। कितनी भोली है ये, इसे लग रहा है बनी से इसके फ्रेंड्स बनेंगे। ओके, चलो बाहर देख के आते हैं। ठीक है, मैं जाकर एक बाइक चुनता हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं। साथ, तुम ठंड में बाहर जा रही हो? सुनो, मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहता, तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। मैंने उसे भी उस बारे में बताया। ओ गर्ल्स, झगड़ो मत, टीम फ्रॉक्स टूट गई। मैं अगर ब्लॉन्डी की जगह होती तो मैं इतनी खुश नहीं होती। नथिंग, मैं तो यहाँ तबाही मचाऊंगी। एंड सो गर्ल्स, ये रहा मेन्यू कल के लिए। एंड नाउ आई थिंक हमें कुछ खाना चाहिए। लेट्स मेक एन ऑमलेट। हाँ, वेजिटेबल्स के साथ। कुड़ियों कुड़ियों, मुझे भी क्या ऑमलेट मिल सकता है? ओह श्योर। बाय द वे, मुझे पूछना था तुम्हें सब मूडी क्यों कहते हैं? हो सकता है क्योंकि मैं रोंदी बहुत हूँ ना। ओह, फिक्र मत करो, अगर तुम हमारी दोस्त बनोगी तो तुम कभी भी रोगी नहीं। गर्ल्स, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ बात कर सकती हूँ? बस। हाँ, तो तुम ऑमलेट कैसे बनाओगी? बनीज की तरह वेजिटेबल्स के साथ? आहो जी, सब्जी नाल, मैं तुम्हारी मदद करूँ। हाँ श्योर। मैं कितनी खुश हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो, क्योंकि यहाँ तो सारे के सारे शैतान हैं। इट्स ओके, अब यहाँ नए रूल होंगे तो सब कोई साथ मिलकर रहेंगे, शैतानों के लिए कोई जगह नहीं होगी। डोंट वरी किटी, ये बहुत इजी है। Yeah, Wandy, we can handle it. किटी, जैसे गाय बर्फ पर होता है वैसे तुम इन रोलरों पर हो। हाँ ठीक है, शांत हो जाओ। हाँ, वो सिर्फ अपनी एक्स के लिए दुखी रहता है। काम डाउन बॉयज, हम ये कर लेंगे। मैं खुश हूँ इसके तुम्हें मेरा नया नाम याद है। मैं अपनी पिज्जा वापस ले आऊंगा।
मुश्किल है, वो किटी हो चुकी है। गर्ल्स मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? डायना के बिना प्लान कोई प्लान नहीं होगा। माया चलो कनुपा की बात सुनते हैं। कनुपा बोलो। जैसा कि तुम्हें पता है डायना किरिल से प्यार करती है, तो आई थिंक उन दोनों को साथ होना चाहिए। कनुपा ये पॉसिबल नहीं है, ये सब पास्ट की बातें हैं। चलो किरिल को कॉल करते और डायना की फीलिंग्स बताते हैं। ओह डायना हमें मार डालेगी। हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए, उन दोनों को साथ होना चाहिए। स्टेला मेरा पीछा करना बंद करो। जॉक अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं खुद के लिए दूसरा लड़का चुन लूंगी। क्रेजी कपल, वो पक्का अब और साथ नहीं रहने वाले। तो तुम्हें प्लान कैसा लगा? क्या हम डायना को सरप्राइज करें? सब एक जैसे हैं। किरिल बेस्ट था। मुझे अफसोस है कि मैंने उसे दूर भेज दिया। डायना Oh girls, you are back. तुम इतनी देर से कहाँ गई हुई थी? ऑमलेट तुम्हारा किचन में रखा है। तो डायना हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हम तुम्हारे लिए तैयार कर रहे हैं एक सरप्राइज। I love surprises, only if it's a good one. डायना तुम खुश होगी। सब तुम्हारे लिए फ्रेंड, तुम्हें सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। गाइस क्या तुम लोग वेट कर रहे हो? बस कमेंट में लिख के मत बताना डायना के लिए क्या सरप्राइज है। ओके गर्ल्स, मुझे तो अब ये जानना है। मैं तुम्हारा सरप्राइज देखना चाहती हूँ। गाइस वीडियो कीजिए लाइक, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन। और वेट कीजिए हमारे नए कूल वीडियोस का। मिलते हैं सबसे जल्द ही। बाय। Just a memory, just a broken frame, and I know that I have no one else to blame. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. I wonder where.